आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन सुनो, ए मैन बाइज पल्स फॉर ₹4,800, ही सेल्स 2/5 पार्ट ऑफ इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रिमेनिंग 3/5 पार्ट सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 19% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आप ठीक ठीक एलिगेशन को समझते हो तो आप तुरंत बोलेगी ये तो एलिगेशन से बनेगा, जल्दी बनेगा। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है तो प्रॉफिट लॉस से ही बनेगा, लेकिन उस मेथड को क्यों फॉलो करें जिसमें आपको टाइम लग जाएगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व करके देना है, आपको ज़्यादा रफ वर्क करना नहीं, तुरंत आपको आंसर देना है, क्लिक करो आगे क्वेश्चन करो। अब एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो एलिगेशन में क्या होता है, दो चीज़ को मिलाया जाता है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखो दो चीज़ को मिलाया जा रहा है, एक 2/5 और 3/5 दोनों को मिलाया जा रहा है, एक में उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है ये भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिख ही दिया प्रॉफिट हो रहा है, और दोनों को मिलाने पर 19% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। अब देखो दो पार्ट में हम लोग ले लिया, एक पार्ट हो गया या दो पार्ट हो गया। एलिगेशन को अच्छे से आप समझ लो, एक मेथड है बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि 2/5 पार्ट हो रहा है और यहाँ 3/5 पार्ट हो रहा है। फर्स्ट पार्ट को उसने जो रुपीस पर केजी है सर, नहीं प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है। ठीक है, और यहाँ पर बोलता है कि 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ निकालना है ये वाला, और मीन दिया हुआ है, मीन परसेंट दिया हुआ है 19% ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो 2/5 पार्ट में उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, 2/5 में 25%, 3/5 में उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा वो निकालना है, और दोनों को मिलाने पे जो 19% प्रॉफिट हो रहा है ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको निकालना है ये। अब देखो इसको कैसे रेशियो में, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2:3 हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, 2:3 हो गया। अब देखो इसमें से इसको घटाओ, इधर से आप तो अभी कर नहीं सकते, इधर का डाटा है नहीं, ये इसमें से इसको घटाओ, ये 6 आएगा और ये 3 के बराबर 6 आ रहा, मतलब ये कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स है, तो ये भी 2 टाइम्स होगा तो 4 हो जाएगा, तो मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस 4 आना चाहिए। अब कैसे पता चले कि ये 19 से यहाँ बड़ा नंबर आना चाहिए कि छोटा नंबर आना चाहिए, तो ये आपको इससे पता चलेगा, ये नंबर कब आता है, इन दोनों के बीच में आता है ये वाला नंबर, इन दोनों के बीच में आएगा ये नंबर। तो यहाँ पर आप देखते हो ये बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर छोटा आएगा, तो 19-4 करोगे आप 15। ठीक है, और यही आपका आंसर भी हो गया, मतलब सेकेंड पार्ट में उसको 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ध्यान से देखो वो क्वेश्चन तो आपको तुरंत समझ में आएगा। एलिगेशन एक मेथड है, आप उसको फॉलो करो, बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, बोलोगे तो मैं उसका एक कंप्लीट वीडियो पैकेज ही दे दूंगा। ठीक है, चलो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स से शेयर करो, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो। ठीक है।